नमस्कार दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही गजब का है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा शराब के रूप में। आप देख रहे हो ना इसको कितनी महत्वपूर्णता दी जा रही है समाज में, और यानी कि 95% जो बॉयज आप कह सकते हो, यानी कि लोग हैं, लड़के भाई कुछ हद तक तो जो बड़े बड़े शहरों में लड़कियां भी सेवन करना शुरू कर दी हैं, इसमें दो राय नहीं है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। तो 95% जो बॉयज हैं ये शराब का सेवन करना शुरू कर दिए हैं। इसी कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड और दिमाग में ये विचार चलता है कि अगर 95% लोग इसका यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है इसकी कोई खासियत होगी, कहीं शरीर को फायदा करता होगा। लेकिन लोग ये हमेशा कहते हैं कि शराब नुकसान करता है। तो शराब के जो कॉन्सेप्ट है आज इसको हम लोग बिदखोरेंगे, यानी कि इसको निचोड़ेंगे कपड़े की तरह, और जानेंगे कि सच में ये शराब है क्या चीज, और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जान ला पाएंगे, ताकि भविष्य में पीने उने का जो भाई हो सिलसिला सब अपना हिसाब से चलता रहे। तो सबसे पहली चीज जो हमारी बॉडी है, ध्यान से समझना, बड़ी मैंने दोस्त बहुत स्टडी किया है इस कॉन्सेप्ट में, सच बता रहा हूं। ये जो हमारी बॉडी है, जब 18 प्लस के हम हो जाते हैं, 18 प्लस ध्यान से समझना, चाहे लड़की हो लड़का, तो ये जो बॉडी 18 प्लस की जब हो जाती है, तो अगर बॉडी को एल्कोहल सही मात्रा में दिया जाए, एल्कोहल की बात मैं कर रहा हूं जिसको आप शराब के नाम से जान सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत सारे सिरप जो खांसियों से आते हैं उसमें भी हल्के फुल्के एल्कोहल डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी हमारी जब 18 प्लस हो जाती है शरीर, तो इसको थोड़ा बहुत एल्कोहल की जरूरत होती है। इससे क्या होगा, अब आप समझो मेरी बात। अब आप बोलोगे दिनेश भाई ये तो परकाने वाली बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि शराब पियो, नहीं मेरे दोस्त ध्यान से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो खुद का बात खुद आप डिसाइड कर लोगे कि आपको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो एल्कोहल आपको 18 प्लस के बाद चाहिए बॉडी को, इससे बॉडी के स्किन पे निखार आता है, बॉडी हेल्थी रहता है, स्वस्थ रहता है, लेकिन सही मात्रा में। अब ये नहीं कि 25% वाला पौआ मार के 55 रुपया वाला उसके बाद सो जाए, ये कोई बात नहीं हुआ, एकदम बेकार है, आप पियक्कड़ हो मेरे दोस्त, सच बता रहा हूं। एल्कोहल अगर आपको लेना है तो कभी कभार किसी पार्टी में, जैसे मान लो 2-3 महीना हो गया आपका एज 21-25 साल है, तो आप कभी कभार पार्टी में बहुत कम लो एल्कोहल जिसमें मिलते, जैसे वियर में लोग बताते हैं कि 8% मिलता है, लोग ऐसा बताते हैं कि वियर वियर जो होता है उसमें 8% तक या 6% तक एल्कोहल पाए जाते हैं, ठीक है। तो बियर का पूरा लेना नहीं आपको, एक आध लाइट पैक, अब आप बोलोगे पियक्कड़ बना रहे हो क्या, बना नहीं रहो, ध्यान से सुनना, एक आध लाइट पैक आप ले लेते हो कभी 2-4 महीने में तो चल जाएगा। अब आप ससुरा डे बाई डे करके आपको चाहिए, तब तो बड़ा भैया गड़बड़ है, तो समझ लो सत्यानाशी है। अब इसके शराब के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, अभी तक तो हम बेनिफिट जान रहे थे कि क्या कुछ कर सकता है हमारे शरीर के लिए, अब जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज देखो दोस्त, ये लीवर को बहुत ज़्यादा, लीवर ये हमारा लीवर है, यहाँ होता है लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। जब आप ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लोगे, बहुत दिनों तक इसका सेवन कर लोगे, 10-20 साल 15 साल और ज़्यादा मात्रा में, यानी कि दिन में भी ले रहे हो, दोपहर में भी, रात में भी, कोई टाइम टेबल नहीं, पानी की तरह खींच रहे हो इसको, तो आपका लीवर 5 साल से 8 साल नहीं लगेगा डैमेज हो जाएगा। और लीवर डैमेज होने के बाद आपको पता है क्या होगा, ठुल्ले, हमेशा पेट झरेगा, हमेशा पेट खराब रहेगा, खाया पिया लगेगा नहीं, उल्टी डकारे आएंगी, पाचन शक्ति बेकार रहेगा, दाल चावल खाओगे तो भी नहीं हजम कर पाओगे, मीट मुर्गा की तो बात ही छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, जब आप भाई इसको लेना शुरू कर दिए तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, ना घर, ना समाज, ना परिवार, कहीं भी आपका रिस्पॉन्स और इज्जत नहीं दिया जाएगा किसी भी समाज में। तो इस चीज़ को ध्यान से आपने समझ लिया, मैंने दोस्त शराब के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, तो आप अब खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है भाई, कितने हानियां हैं इसके, आपने समझ लिया, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।